हेलो एवरीवन, मैं हूं महावीर जैन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल व्लॉग सेंटर। दोस्तों, आज है रामनवमी और हमारे चैनल की तरफ से और मेरे तरफ से रामनवमी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रामनवमी के इस पावन पर्व में राम भक्त हैं वो झांकियां निकालते हैं आज, तो मैं आप लोगों को पूरी झांकियां दिखाऊंगा। और देखिये, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन कोका और मौसम अभी देखिये काफी खुशनुमा है। अभी मौसम विभाग के द्वारा जो है आज दैनिक भास्कर में दिया गया है न्यूज कि आज जो है बस्तर के इलाकों में कई जगह जो है बारिश हो रही है और रायपुर और भिलाई में भी अब जो है बस बारिश होने वाली है। शाम के बज रहे हैं 6 और ऊपर छाए हुए हैं पूरे काले काले बादल। और आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं सबसे पहली रामनवमी की झांकी सारी चीजों के साथ, बड़े बड़े जो है बजरंगबली के झंडे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। और आगे कार लेकर के जाऊंगा तो ब्लॉक होने की भी स्थिति है, प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय है। देखिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भैया जय श्री राम। अरे जय श्री राम। विमलेश भैया वो घर पे है। मैं उमेश तिवारी, महामंत्री सुबेला प्रखंड। समिति का नाम श्री राम जन्मोत्सव समिति कोका। कोका, ये सब सारी जो है एक जगह पे एकत्रित होगी ना अभी? हाँ, आगे जाके अभी अपना जो रूट है अवंती भाई चौक, गदा चौक होते हुए परदेशी चौक होते हुए साक्षरता चौक, उसके बाद उलन मार्केट। अच्छा, सेक्टर 1 में। आप लोगों को बताना चाहूँगा श्री राम जन्मोत्सव समिति की जो कोका की इकाई है वहाँ से जो है 61 जो है यहाँ से अलग अलग प्रकार की झांकियाँ जो है जा रही है वाली कोका और खड़ी है। क्रूज रोड वाली कोका चौक में आ गई है। क्रूज रोड वाली आ गई है, आ गई है। निकलेंगे हम सुहाना। और एक इस मौसम के कारण में आज प्रभु श्री राम का अभिषेक तो होने ही वाला है, प्लस जो अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इसके कारण से राम भक्तों के अंदर जो है और भी ज़्यादा ऊर्जा का जो है संचार हो चुका है। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए आगे बढ़ करके पूरा जो है पावर हाउस का आज जो ग्राउंड है पूरा भगवामय हो चुका है, पूरा भिलाई, पूरा दुर्ग जिला भगवामय हो चुका है और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भगवामय हो चुकी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की भव्य झांकियाँ। Yeah.
आप लोगों को दिखा रहा हूँ और पैदल चलते हुए पावर हाउस ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ अभी।
से विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भैया सबको रामनवमी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। ठीक है। भव्य झांकियों के साथ भव्य एक जो है कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है और यह हर साल श्री राम जन्म उत्सव समिति के द्वारा होता है। तो मैं पहले आप लोगों को चल करके दिखाता हूँ नीचे जो मैदान है अभी वहाँ पर कितनी गैदरिंग है। मैं अभी खड़ा हूँ पावर हाउस ब्रिज के ऊपर और अब जाने वाला हूँ दोस्तों नीचे। आ चुके हैं और साथ ही साथ उन्हें हमारे मंच तक लेकर आ रहे हैं हम
हमारे मुख्य वक्ता माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील देवधर जी का प्लीज जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियों की आवाज आनी चाहिए मुझ तक। मुझको बचाए तुम, आओ अब हम